Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing well. First of all, I would like to thank you all for watching my channel, appreciate me, encourages me and to do more hard work. And yes, today I am back with another interesting topic about whitening of teeth. सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करेंगे कि दांत खराब होने की वजूहात क्या हैं। दांत पर पिलाहट जमने की सबसे बड़ी वजह खाना खाने के बाद दांतों की सफाई ना करना है। इसके अलावा सिगरेट, शराब नोशी, पान खाना, चिकनाहट वाली चीजें, चाय, कॉफी और फास्ट फूड्स का इस्तेमाल वगैरह दांतों के पीले होने की वजूहात हो सकती हैं। दांतों की चमक और सफेदी से अपनी मुस्कुराहट को जगमगाना हर मर्द और औरत की ख्वाहिश होती है और शायद इसी मकसद के लिए वो सालाना हजारों रुपए डेंटिस्ट को देकर इनकी सफाई भी करवाते हैं, लेकिन इन्हें कोई खास फायदा नहीं पहुंचता। दांतों की निस्बत मर्द और खवातीन जिस्म के दूसरे हिस्सों की हिफाजत और देखभाल में वक्त और पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन दांतों की मुनासिब देखभाल और सफाई पर ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर नहीं आते। इसका नतीजा ये निकलता है कि खूबसूरती, महंगे लिबास और मेकअप से शख्सियत तो अच्छी लगने लगती है, मगर जैसे ही इनके दांतों पर नजर पड़ती है तो इन पर जमी मैल कुचैल और सांसों से उठती बदबू आस पास के लोगों के लिए शदीद नागवारी का बायस बनती है। इसीलिए जरूरी है कि आराइश हुसन के साथ दांतों की सफाई सुथराई को भी मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि चमकदार और सफेद दांत आपकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। दांत सफेद ना हो तो मुंह से बदबू आती है और दांतों पर मौजूद जरासीम और गंदगी खाए जाने वाली खुराक के साथ मैदे में जाकर मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनती है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दांतों की सफाई के लिए मिसवाक पर बहुत जोर दिया है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको कुछ अहम टिप्स देती चलूं कि कैसे अपने दांतों को वाइट किया जा सकता है। सो द फर्स्ट टिप इज यूज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दांतों की सफाई का बहुत आसान तरीका है। बेकिंग सोडे को टूथपेस्ट की तरह टूथब्रश की मदद से दांतों पर लगाएं, वाज़े फर्क महसूस होगा आपको। द सेकेंड टिप इज यूज लेमन एंड सोल्ट पेस्ट, लीमू और नमक का पेस्ट। दांतों की सफाई के लिए लीमू और नमक का अमेजा भी बेहतरीन है। लीमू का रस निकालकर इसमें इतना नमक मिलाएं कि ये पेस्ट बन जाए। अब टूथब्रश की मदद से इस अमेजे से दांतों की सफाई कर लें। ये तरीका हफ्ते में आपने कम से कम दो बार इस्तेमाल करना है। मुस्तकिल इस्तेमाल से आपके दांत नहायत चमकदार और सफेद हो जाएंगे। द थर्ड नेचुरल वे टू यूज कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। नारियल के तेल में दांतों को साफ और बैक्टीरिया से महफूज रखने की सलाहियत मौजूद होती है। नारियल के तेल से ब्रश करने के अलावा आप इसे 5 मिनट तक मुंह में भरकर भी रख सकते हैं। द नेक्स्ट टिप इज यूज विनेगर, सिरका। सिरका अपनी तेजाबी खसूसियत के बायस दांतों पर जमी मैल की तह को तोड़ डालता है और दागों को हल्का कर देता है। ताहम ये दांतों की हिफाजती तह के लिए नुकसानदेह साबित भी हो सकता है, लिहाजा इसका इस्तेमाल आप महीने में सिर्फ एक बार करें। इसे इस्तेमाल करने के बाद आम टूथपेस्ट से दांत ब्रश कर लें। द लास्ट एंड द बेस्ट टिप इज टू यूज व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। शायद आपको इल्म ना हो, मगर मार्केट में व्हाइटनिंग टूथपेस्ट भी दस्तयाब हैं। ये टूथपेस्ट दांतों के दाग धब्बों को मिटाने में नहायत मुयस्सर साबित हो सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।